हेलो दोस्तों, कुक विद स्मिता में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं होममेड केक क्लास सीरीज़। तो आज हम पहली क्लास में केक की आइसिंग के लिए परफेक्ट विप क्रीम कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। इसके बाद के क्लास में हम देखेंगे कि होममेड केक स्पॉन्ज कैसे बनाएं, होममेड केक प्रीमिक्स कैसे बनाएं, केक बनाने के लिए ज़रूरी सामान, ऐसे कई सारे वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि केक की आइसिंग के लिए क्रीम विप कैसे करें। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्हिपिंग क्रीम रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप भी परफेक्ट तरीके से क्रीम व्हिप करना सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ मैं डिलाइट कंपनी की नन डेरी व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा भी आपको मार्केट में और कई कंपनी की व्हिपिंग क्रीम मिल जाती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हो तो सबसे पहले आपको फ्रेश क्रीम और व्हिपिंग क्रीम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना बहुत ही ज़रूरी है। व्हिपिंग क्रीम में फैट कंटेंट लेवल ज़्यादा होता है और फ्रेश क्रीम में कम होता है। केक, पुडिंग, कपकेक, मूस, पेस्ट्रीज, इन सब की आइसिंग के लिए आपको व्हिपिंग क्रीम का यूज़ करना होता है। फ्रेश क्रीम से केक की आइसिंग के लिए व्हिप क्रीम नहीं बनती। फ्रेश क्रीम का यूज़ सिर्फ सूप, करीज और डेजर्ट्स में होता है, इसलिए हम केक की आइसिंग के लिए व्हिपिंग क्रीम का यूज़ करेंगे। ये 1 लीटर का पैक है। इसकी प्राइस की बात करें तो मैंने ये 180 रुपीज़ में बाई करी है। कंपनी और सिटी वाइज इसमें चेंजेस आ सकते हैं। क्रीम व्हिप करने के लिए आइस क्यूब्स लेंगे, उसके ऊपर एक बाउल रखेंगे। आइस क्यूब्स के कारण क्रीम अच्छे से व्हिप होगी। अब क्रीम ले लेते हैं। व्हिप करने के लिए क्रीम हमेशा ऐसे ही लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, उसके साथ ही क्रीम चिल्ड होनी उतनी ही ज़रूरी है, इसलिए क्रीम को रूम टेम्परेचर पर कभी भी ना रखें। सबसे पहले लो स्पीड पर 30 से 40 सेकंड तक बीट करें, उसके बाद धीरे धीरे करके इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। क्रीम को व्हिप करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक बीटर का ही यूज़ करें। मिक्सर या हैंड ग्राइंडर में कभी भी क्रीम व्हिप नहीं होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आपकी क्रीम और समय दोनों ही बर्बाद होते हैं, इसलिए बीटर का ही यूज़ करें। अब व्हिपिंग क्रीम भी 2 टाइप की होती है, डेरी और नन डेरी। नन डेरी व्हिपिंग क्रीम में पहले से ही शुगर ऐड की होती है, आप अपनी पसंद से कोई भी क्रीम ले सकते हो। अब बात करते हैं कि मार्केट से क्रीम लाने के बाद उसे स्टोर कैसे और कहाँ करें। तो व्हिपिंग क्रीम हमेशा फ्रीज़र में ही स्टोर करें। जब भी आपको क्रीम व्हिप करनी हो उसके 7 से 8 घंटे पहले क्रीम को फ्रीज़र में से निकालकर फ्रिज में रख दें, जिससे क्रीम लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। अब आप देख सकते हो कि 5-6 मिनट के बाद क्रीम में सॉफ्ट पीक आना स्टार्ट हो गए हैं। ऐसी व्हिप क्रीम का यूज़ आइसक्रीम, पुडिंग में होता है। केक की आइसिंग की क्रीम के लिए हमें क्रीम को और व्हिप करना होगा। एक बार पैकेट में से व्हिपिंग क्रीम निकालने के बाद उसे रबर बैंड से अच्छे से रीसील करें और उसके बाद तुरंत ही उसे वापस से फ्रीज़र में रख दें। ज़्यादातर व्हिपिंग क्रीम को आप 1 साल के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, फिर भी एक बार पैकेट पर उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लें। व्हिपिंग क्रीम आपको आसानी से आपके आसपास के लोकल मार्केट में मिल जाएगी। अगर फिर भी ना मिले तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि क्रीम में स्टिफ पिक आ चुके हैं, यानी कि हमारी क्रीम अब आइसिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। सब्सक्राइब करें कुक विद स्मिता चैनल को और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्रीम अच्छे से व्हिप हुई है या नहीं उसे चेक करने के और एक मेथड है, और वो ये है कि आप स्पैचुला पर क्रीम लें और उसे उल्टा करें। क्रीम ना गिरे तो समझिए क्रीम अच्छे से व्हिप हुई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। हम आपके साथ और भी कई तरह की केक रेसिपीज शेयर करने वाले हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।